और इधर राहुल गांधी कुछ दिनों तक 10 जनपद स्थित सोनिया के आवास में रहेंगे। अमेठी से 2004 में सांसद चुने जाने के बाद 2005 में उन्हें 12 तुगलक रोड वाला बंगला दिया गया था। लोकसभा सचिवालय ने 27 मार्च को राहुल को इसे खाली करने का नोटिस दिया था। जब राहुल बंगले की चाबियां सौंप रहे थे, उनके साथ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे भाई ने जो भी कहा वह एकदम सच है, उन्होंने सरकार की सच्चाई बताई, इसलिए उनके साथ ये सब हो रहा है, लेकिन वे बहुत हिम्मत वाले हैं, डरते नहीं हैं, हम नहीं डरेंगे और अपना संघर्ष जारी रखेंगे। वहीं केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार और अमित शाह राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं, वह पूरी तरह से बदले की भावना से प्रेरित है। इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से संवाददाता श्रुति बनी हुई है। श्रुति, कई दिनों से राहुल गांधी के खाली करने की इस पूरे मामले को लेकर सरगर्मी तेज थी और अब बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है, और इस पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि मेरे भाई ने सच कहा, जिस वजह से उन्हें यह कीमत चुकानी पड़ी है। जी, कल राहुल गांधी के द्वारा उनका 12 तुलक लेन में, जहां वो 19 सालों से रह रहे थे, उस घर को खाली कर दिया गया। लोकसभा सदस्यता जाने के बाद, लोकसभा सचिवालय के द्वारा उनके सदस्यता जाने के बाद वो घर खाली करने की नोटिस दी गई थी उनको, जिसके बाद कल उन्होंने घर खाली कर दिया और कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिसर को जो घर की चाबी थी वो हैंड ओवर कर दिया। इस दौरान उनके साथ उनकी माँ सोनिया गांधी मौजूद थी। अब राहुल गांधी उनकी माँ सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद रोड रहेंगे। उन सवालों पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं अब एसजी के साथ रहूंगा। साथ ही साथ उनसे ये भी पूछा गया कि आप अपने घर को बचाए रखने के लिए कुछ प्रयास क्यों नहीं किए, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं रखना है। तो एक तरह साफ है कि राहुल गांधी जो है इन दिनों जिस सुर्खियों में है और लगातार जो उनपे तमाम मुश्किलें आ रही है, ऐसे में उनकी लोकप्रियता तो जनता के बीच बढ़ ही रही है। साथ ही साथ वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव वे में जितने भी चीजें चैलेंजेस आ रहे हैं उसको ले रहे हैं। साथ ही साथ बिना निराश हुए जो है उन्होंने घर खाली कर दिया जहां 19 साल से रह रहे हैं और आगे अपने चुनाव की रणनीति खुद लगातार तैयार कर रहे हैं। जी चलिए श्रुति, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता श्रुति झा, जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सरकारी बंगला खाली कर दिया है। राहुल गांधी कुछ दिनों तक 10 जनपद स्थित सोनिया गांधी के आवास में ही रहेंगे, और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने सच कहा, जिसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ी।